नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ये खबर दतिया से मिल रही है। किसान आंदोलन के चलते दतिया में कांग्रेस द्वारा कराया गया बाजार बंद, इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संगम कुशवाहा ने। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं। दतिया से मैं संगम कुशवाहा आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन के चलते आज दतिया में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरा बाजार बंद कराया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के मौजूद है। आज हम बात करते हैं इनसे, आपको आपके द्वारा कराए गए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो केंद्र की सरकार है उन्होंने जो है तीन बिल इस तरह के लाए हैं जो किसानों के लिए पूरी तरह विरोधी है, किसान के हितों के लिए नहीं है। अगर वो बिल लागू हो जाते हैं तो किसान बर्बादी की तरफ चला जाएगा। इसीलिए किसानों ने उनका विरोध करना पूर्ण रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। किसान पूरी तरह से आंदोलित है और पूरे आंदोलन के दौरान जब इतना लंबा टाइम हो जाने के बाद भी केंद्रीय सरकार ने उनको नहीं सुना और उनको कोई तवज्जो वो दे नहीं रहे, केवल बात करके टालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कांग्रेस को लगा जब प्रजातांत्रिक तरीके से की जा रही मांग को दिल्ली की सरकार जब मान नहीं रही है तो हम लोगों को उनकी मदद करना चाहिए ताकि प्रजातांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहे और प्रजातांत्रिक तरीके से की जाने वाली मांग पर सरकार गौर करें। इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने, हमारे नेताओं ने हमें जो है निर्देश दे दें कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें और 8 तारीख को उनके द्वारा बंद जो प्रस्तावित है उस बंद का समर्थन करें। तो उसके किसानों ने बंद का आह्वान किया, हम लोग उनके समर्थन में मैदान में आए हुए हैं और लोगों से हाथ जोड़कर हमने निवेदन किया बंद करने का, किसानों का साथ दो, क्योंकि हमारी मार्केट दतिया जो है किसानों पर आधारित है। आज किसान के पास परचेजिंग पावर है, उसके पास पैसा है तो हमारा बाजार चलेगा, किसान के पास पैसा नहीं है तो हमारा बाजार बैठ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है तो वहाँ से सैलरी आती है तो वहाँ लोग बाजारों में जाएंगे। आज किसानों पर निर्भर है केवल हमारा बाजार, और किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा, और देश बर्बाद होगा तो जिले बर्बाद होंगे, शहर बर्बाद होगा और हम सब कई कई बर्बाद की कगार पर पहुँच जाएंगे। इसलिए किसानों के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी के निर्णय की वजह से हम सब किसानों के साथ उनके बंद का साथ देने आए। और जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए समर्थन करती है, इसी के साथ बने रहिए।